वॉइस आ रही है अभी अभी आ रही है वॉइस प्रॉपर गुड मॉर्निंग सभी को एम आई ऑडिबल एंड विजिबल अभी आ रही है वॉइस ओके okay. जैसा कि हमने बताया था कि बेटे की स्कूलिंग स्टार्ट करिए तो हमें थोड़ा जाना पड़ता है इसलिए आज लेट हो गया कल से वापस से नौ बजे से क्लास हो जाएगी है ना कल से वापस से नौ बजे से क्लास हो जाएगी आपकी नौ या सवा नौ बजे से अभी हो गया है सारा सेटलमेंट हो गया है तो कल से फिर से नौ या सवा नौ बजे से जो आपकी क्लास चल रही थी वैसे हो जाएगी ठीक है एवरीथिंग क्लियर तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है और टफ भी लगता है जिसका नाम है मॉल बायो है ना दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्युलर बायोलॉजी जैसे हमने आपको जेंटिक्स पढ़ाया और जेंटिक्स में आप सभी लोग बहुत अब सहज महसूस कर रहे हैं और काफ़ी आसान लग रहा है आपको पूरी जेनटिक्स है ना सभी लोग एक बार बताएंगे जेनेटिक्स के सारे लेक्चर्स एकदम डन है सबके कहीं एक सिंगल कंफ्यूजन है जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई चाहे वो मंडलियन जेनेटिक्स हो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स हो साइटोप्लाज्मिक इनहेटेंस हो सेक्स डिटर्मिनेशन हो ठीक है एलिलिक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हो चाहे वो आप कह सकते हैं म्यूटेशन हो ठीक है ना चाहे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर हो जितनी सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई वेरी गुड इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी से आज एक प्रॉमिस करिए आप लोग और अपने आप से बोलिए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा ठीक है ना और हंड्रेड परसेंट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बस आपको जैसे जेनेटिक्स आपने पढ़ा था वैसे इसको पढ़िएगा और सिंपलेस टू कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे है ना मतलब हर पॉइंट आपका होना चाहिए अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं अगर हम बात करें जैसे आपको पता है एक छोटी सी बात सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा पता है क्या सेंट्रल डोगमा क्या होता है ठीक है सेंट्रल डोगमा क्या होता है सभी को ये बात पता है सेंट्रल डोगमा दिया था क्रिक ने अभी हम स्टार्ट करें आपको बता रहे हैं क्रिक ने दिया था और इन्होंने बताया था कि देखिए जो जीनटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक इसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है डी से डी बनना ये क्या कहलाता है रेप्लीकेशन है ना डी से इन्फॉर्मेशन एम में जाती है ये क्या कहलाता है भाई ट्रांसक्रिप्शन ओके ट्रांसक्रिप्शन और फिर इन्फॉर्मेशन एम से प्रोटीन में जाती है है ना तो इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं ये है सेंट्रल डोगमा आगे इसको हम पढ़ाएंगे इसी वे में हम अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट करने वाले हैं इसी वे में हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक को हाँ पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ठीक है ट्रांसलेशन और वाप, उसके बाद हम लोग जीन रेगुलेशन तो जो हम लोगों को पढ़ना है वो तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ठीक है इस इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ठीक है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट ठीक है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोडाई एस्टरबॉन्ड क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चारगा रूल पढ़ेंगे जस्ट एक लमसम आपको बता रहे हैं चार गफ रूल पढ़ेंगे ओके इसके बाद हम लोग देखेंगे जीन जीन को बहुत तरीके से क्लासिफाई करेंगे कौन स्प्लिट जीन है कौन नॉन स्प्लिट जीन है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन बहुत तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे फिर हम आएंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पे मतलब किन्ों जेनेटिक मटेरियल को किन किन लोगों ने सर्च किया डीएनए जेंटिक जेनेटिक मटेरियल ये किसने प्रूव किया ठीक है ये सारी चीज़ें तब जाके हम लोग आएंगे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन ओके फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और फिर जीन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन और जब जीन रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना तो इतना सारा ये इंडेक्स आप याद रखना इतनी सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है ठीक इतनी बात सभी को समझ आ रही है ओके डन वेरी गुड अब हम लोग आते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग बात किसकी करते हैं न्यूक्लिक एसिड की सबसे हमारा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जितना हम लोग पढ़ेंगे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई सभी को पता है जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड या इसी को हम हेरिडिटरी मटेरियल कह दे इसी को हम हेरिडिटरी मटेरियल कह दे है ना ठीक अब ये न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं या न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो ये दो तरीके का है हमारे पास एक है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड और आरएनए आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कई जगहों पे राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड एम आई ऑडिबल हां सर योगेश राजपूत पूछ रहे हैं मैम कैसे कवर करें इतने सारे लेक्चर्स को तो देखिए योगेश राजपूत एक जो डैम ट्रू बात है वो यही है कि डेली तो नया बैच स्टार्ट नहीं हो सकता है तो आपने जहाँ से ज्वाइन किया है आपको उसके पीछे का लेक्चर आपको कवर करना पड़ेगा ठीक है अपनी स्ट्रेटजी चलिए लास्ट में बताएंगे आपको अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एन ए मटेरियल होता है मोस्ट मोस्ट केस में डी एन मटेरियल होता है है ना और अगर डी की बात करें तो डी हमने ये आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है ठीक अब आप हमें बताएंगे कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है तो कुछ एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं जैसे ये फाइव एक्स वन सेवेंटी फोर एम थर्टीन बैक्टीरियो फेज है ना हमने ये सब वायरसेस केस में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था ठीक अगर हम डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं तो डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसा हो सकता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है ठीक है और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है क्लियर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलता है ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए हमें कहाँ देखने मिलता है ये हमें तीन जगह देखने मिलता है कहाँ एक तो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक डीएनए या बैक्टीरिया का डीएनए ऐसा ही होता है याद रखना बैक्टीरिया का डीएनए ऐसा ही होता है प्लाज्मिट का डीएनए ऐसा ही होता है जो प्लाज्मिड होता है ऐसा ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा ही होता है और प्लास्टिड में ऐसा ही होता है सभी को समझ आ रहा है यहां तक अगर कभी आपसे कोई पूछे सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए कहां पाया जाता है तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए है प्लाज्मिड जो जिसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं वो भी सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी कैसा होता है सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए होता है हा वेरी गुड इतनी बात सभी को समझ आ रही है अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए भी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं एक तो हम आरएनए को जेनेटिक जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए ठीक है जेनेटिक आरएनए की बात करें देखिए हम ये न्यूक्लिक एसिड कर रहे हैं यहां पे एक सेकेंड ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ना आप न्यूक्लिक एसिड करना तब सही रहेगा ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका है न्यूक्लिक एसिड का आरएनए की बात करें तो आरएनए एन जेनेटिक हो सकता है और नॉन जेनेटिक हो सकता है है ना अगर हम जेनेटिक आरएनए की बात करें अब आते हैं यहां पे जेनेटिक आरएनए की बात करें तो जो जेनेटिक आरएनए है इसमें आपको पता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोस्टली होता है लेकिन बहुत जगहों पे हमें डबल स्टैंडर्ड आर एन भी देखने मिलता है जैसे डबल स्टैंडर्ड आर एन हमें कहाँ देखने मिलता है जल्दी से बताइए डबल स्टैंडर्ड आर एन हमें रियो वायरसेस में देखने मिल ये तो मोस्ट केसेस में होता है ये मोस्ट केसेस में होता है लेकिन ये हमें रियो वायरसेस में देखने मिलता है ये हमें वाउन ट्यूमर वायरसेस में देखने मिलता है वाउन ट्यूमर वायरस है ना और ये हमें मेज़ डार्फ वायरस में देखने मिलता है मेज़ डार्फ और ये हमें राइस ड्वार्फ वायरस में देखने मिलता है बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है एकदम किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए है ना अगर हम नॉन जेनेटिक आरएनए को भी देखें तो ये भी दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे कोडिंग कोडिंग आरएनए, और नॉन कोडिंग नॉन कोडिंग अगर हम कोडिंग आर की बात करते हैं तो कोडिंग आर क्या है कोडिंग आर में आता है एम आर एन एम आर एन एज द कोडिंग आर नॉन कोडिंग आर को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एक तो कैटेलिटिक और दूसरा नॉन कैटेलिटिक देखना कैटेलिटिक नॉन कैटेलिटिक कैटेलिटिक का मतलब जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी हो मतलब जिसके पास एंजाइमेटिक कल ही बताया था भी आपको जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी हो मतलब आर आर एन जो आर एन ए है वो क्या है कैटेलिटिक होता है जनरली ठीक और जो नॉन कैटेलिटिक है इसमें टी आर एन ए आ जाएगा इसमें एस आई आर एन ए आ जाएगा इसमें एम आई आर एन ए आ जाएगा है ना यहाँ लिख रहे हैं एस आई आर एन ए एम आई आर एन ए आ जाएगा इसमें ठीक है इसमें एस एन आर एन ए आ जाएगा ये सब तो नोट कर लीजिए अब अगर हम इसी कैटेलिटिक आर एन ए की बात करें तो इसी कैटेलिटिक आर एन ए को हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं राइबोजाइम के नाम से जानते हैं लास्ट क्लास में हमने आपको राइबोजाइम के बारे में बताया था यहीं लिख लीजिएगा राइबोजाइम मतलब कैटेलिटिक आरएनए कैटेलिटिक आरएनए और ये जनरली इनके तीन एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे एक तो ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए जो बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेजेस और एक क्या होता है दैट इज आर एन एज पी मतलब राइबो न्यूक्लियस पी अब बताओ आप इस क्लासिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या इस पूरे क्लासिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत है अब आप बताओ इस पूरे क्लासिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत है लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए जनरली किसका होता है यू यू कैरियोटिक डीएनए ठीक है ओके okay. डन है सभी को ठीक एक बार वापस से देखिए न्यूक्लिक एसिड हमारा दो तरीके का एक है एक डीएनए है आरएनए डीएनए को डिओक्सी राइबो न्यूक्लिकेसिड कहते हैं आर एन ए को राइबो एसिड कहते हैं डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है डबल स्टैंडर्ड हो सकता है कुछ केसेस में हमने आपको यहाँ बताया भी है आर एन ए भी जेनेटिक हो सकता है नॉन जेनेटिक हो सकता है जेनेटिक आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मोस्ट मोस्ट यही होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड आर एन एक्सेप्शन में हमने यहाँ बताया नॉन जेनेटिक में कोडिंग हो सकता है भाई जिसके पास कोडॉन प्रेजेंट हो जिसके पास कोडॉन प्रेजेंट हो तो कोडिंग में एम आर एन ए है नॉन कोडिंग में फिर कैटेलिटिक नॉन कैटेलिटिक है कैटेलिटिक में आपका आर आर एन ए मतलब राइबोजाइम है नॉन कैटेलिटिक में टी आई टी आर एन एस आई आर एन एम आई आर एन एस एन आर एन ए और राइबोजाइम जो है वो हमने कैटेलिटिक आर एन या ऐसा एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है दिस इज नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है कल हमने क्लास डिस्कशन के टाइम टेस्ट डिस्कशन के टाइम भी आपको बताया था ये ट्वेंटी थ्री एस आर बैक्टीरिया में पेप्टाइडल होता है ठीक है सर योगेश राजपूत मैम नोट्स प्रोवाइड कराओगी या हमें खुद बनाना है ये आपको खुद बनाना है। ये पीडीएफ आपको दे दिया जाता है एप्लीकेशन पे ये सेम पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे दिया जाता है आपको खुद से नोट बनाना है अगर आपको नोट बना बनाया चाहिए तो आप वो ले लीजिए रैंकर्स बैच ले लीजिए ठीक है अच्छा चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं हम बात कर रहे हैं डीएनए की अगर डीएनए की बात करें तो एक बात ये भी समझना डीएनए भी जनरली दो तरीके का होता है एक कैसा होता है नेकेड डीएनए और एक होता है एक होता है नॉन नेकेड डीएनए इसको हम नॉन नेकेड कह सकते हैं नॉन नेकेड डीएनए ठीक है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अगर हम बात करें प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन तो अगर हम नेकेड डीएनए की बात करें तो नेकेड डीएनए क्या है भाई ध्यान समझना नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन विदाउट हिस्टोन प्रोटीन नेकेड डीएनए क्या है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन मतलब इसके पास हिस्टोन प्रोटीन ना हो और नॉन नेकेड डीएनए किसका है विद हिस्टोन प्रोटीन विद हिस्टोन प्रोटीन तो इसके पास हिस्टोन प्रोटीन है अभी हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे तो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन क्या है अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है है ना क्योंकि डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है भाई डीएनए नेगेटिविटी से भरा हुआ है फिर भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है सोच लीजिए ऐसा नहीं कि जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पे कोई चांस नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता क्यों, किसकी वजह से ड्यू टू प्रजेंस ऑफ ड्यू टू प्रजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फेट पे ऑलरेडी थ्री नेगेटिव चार्ज है और डीएनए एसिडिक भी होता है एसिडिक होता है और अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है पॉजिटिव चार्ज है और ये बेसिक प्रोटीन है बेसिक प्रोटीन है किसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू बेसिक टू बेसिक अमाइनो एसिड टू बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या हैं आर्जिनिन एंड लाइसीन तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन इसलिए होती है और बेसिक प्रोटीन इसलिए होती है क्योंकि इसके पास दो बेसिक अमाइनो एसिड बहुत अबंडेंट होता है है ना हम्म भावना सागर मैम प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट है प्रैक्टिस बैच अभी जल्दी से स्टार्ट है आपका तीन तीन टेस्ट का प्रैक्टिस हो चुका है बाकी अभी आपके बचे हुए हैं सारे जो प्रैक्टिस हो चुका है वो आप आपको एप्लीकेशन पे मिल भी जाएगा ठीक अब ये नेकेड डीएनए किसका किसका होता है तो याद रखना ये नेकेड डीएनए मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एक तो बैक्टीरिया डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए, है ना मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए नेकेड होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता दूसरा प्लाज्मिड भी नेकेड होता है प्लाज्मिड डीएनए भी नेकेड होता है तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी नेकेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी नेकेड होता है और चौथा प्लास्टिड डीएनए भी नेकेड होता है हालांकि अब अब देखना बहुत से लोग ऐसे बता देते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में होता है नहीं होता है यूकैरियोट में होता है लेकिन आप याद रखना ये यूकैरियोटिक डीएनए है ये यूकैरियोटिक डीएनए है और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स के हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स क्या है माइटोकोनियर प्लास्टिड तो ये दो ऐसे यूकेरियोटिक डीएनए हैं जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स में पाए जाते हैं और ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ठीक है इतनी बात सभी को समझ आ रही है विद हिस्टोन प्रोटीन यू कैरियोटिक डीएनए जो यूकेरियोटिक डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाए जाती है बताइए इतनी इतनी बात सभी को क्लियर है क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ओके तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कहीं ना कहीं एक बात तो हमें समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की जो सिमिलैरिटी है वो बैक्टीरिया के साथ है ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो देखिए एक आपको इतनी बात सभी को डन है हम्म चलिए अब हमें यह देखना है कि एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज एंडो सिम्बायट थियरी ये क्या कहती है एंडोसिम्बायन थीरी ये बताती है कि जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अकर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था ठीक है तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट हुआ था सबको पता है प्रोकैरियोट था और उसमें भी हेट्रोट्रॉप प्रोकैरियोट है कीमो है ना उसके बाद यूकैरियोट आए तो यूकैरियोट में यही आए थे कौन पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इवोल्यूशन में आपको बेटर वे में समझाएंगे ठीक है तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की ओरिजिन हुई थी क्योंकि माइटोकोंडिया और प्लास्टिड के पास खुद की डीएनए सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाई जाती है तो उस टाइम पर ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते थे आपको पता है माइटोकॉन्डे और प्लास्टिड ऐसे दो सेमी ऑटोनॉमस ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स हैं जिसके पास खुद का डीएनए है खुद का आर एन ए है ठीक है ना अब देखिए अब ऐसा माना जाता है कि जो एंडोसिम्बायन थीरी है उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया और जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स में क्या क्या सिमिलैरिटी है, है ना सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स में क्या क्या सिमिलैरिटी है अब आपको बता दें और इस किस बैक्टीरिया से हुई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुई है इनकी ओरिजिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ठीक है ये भी याद रखना अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और सेमी ऑटोनमस आर्गेनिल्स में क्या सिमिलैरिटी है क्या कौन से तथ्य ऐसे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो सेमी ऑटोनमस आर्गेनिल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इनकी ओरिजिन इनकी ओरिजिन किससे हुई है इनकी ओरिजिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुई है ये कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो ये प्रूफ करते हैं तो सबसे पहला तथ्य क्या है कि अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर्ड होती, होती है इसकी जो सेल वॉल होती है डबल लेयर्ड होती है है ना यहां पे भी मतलब इनमें प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन होता है। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होता है ये भी डबल लेयर्ड है, है ना डबल लेयर्ड है इसकी आप कह सकते हैं ये भी प्रेजेंस ऑफ यहां पे भी प्रेजेंस ऑफ आउटर लेयर है एक आउटर मेम्ब्रेन है ना यहाँ पे भी आउटर मेंब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है दूसरी चीज ये है कि इनका आउटर मेंब्रेन में इनके आउटर मेंब्रेन में एक खास तरीके की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम पोरिन प्रोटीन कहते हैं और इनकी इन दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में खास तरीके की प्रोटीन होती है चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो प्लास्टिड हो ठीक है इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है हमने पढ़ाया भी आपको इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता है बताओ पोरिन प्रोटीन के बारे में हमने आपको कहा था कि पोरिन प्रोटीन तीन जगह देखने को मिलता है एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज से। तीसरी चीज आपको हम ये बता दें कि इनमें भी जो डिवीज़न होता है इनमें भी जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिज़न से होता है बाइनरी फिज़न से होता है मतलब फिज़न यहाँ पे भी जो इनका डिवीज़न होता है ना यहाँ पे भी जो इनका डिवीज़न है वो किससे होता है बाइनरी फिज़न से होता है मतलब ये भी फिजन से डिवाइड करते ठीक है सिमिलैरिटी देखना तीसरी ये सब तथ्य हैं ये सब एविडेंस हैं एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ओरिजिन किससे हुई है सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनिल से हुई है तीसरी चीज़ ये है प्लीज़ बी अटेंटिव इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है है ना इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है इनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है भाई सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनका जो डीएनए है इनका जो डीएनए है वो नेकेड है नेकेड है इन सेंस कि ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है विदाउट हिस्टोन है ठीक है इनका भी जो डीएनए है वो नेकेड इतनी बात सभी को समझ आ रही है इनमें इनका भी जो जीन है ना जीन ठीक है वो कैसा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है कैसा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है आगे बताएंगे आपको और इनका भी जो जीन है ना वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है ठीक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है अगला डिफरेंस आप लिखेंगे यहाँ पे भी जो राइबोसोम है ना राइबोसोम यहां यहाँ पे भी सेवेंटी एस है और लमसम यहाँ पे भी राइबोसोम सेवेंटी एस है राइबोसोम कैसा है सेवेंटी एस है और एक आखिरी डिफरेंस आप लिख लेंगे इन दोनों का दोनों में जो लिंकेज ग्रुप होता है इन दोनों में जो लिंकेज ग्रुप होता है लिंकेज ग्रुप तो यहां लिख लीजिए लिंकेज ग्रुप यहां लिख दे रहे हैं लिंकेज ग्रुप बताइए हमने ग्रुप जन्तिक, कितना होता है वन लिंकेज ग्रुप कैसा होता है कितना होता है वन तो दीज आर द एविडेंसेस दीज आर जो ये प्रूफ करते हैं कि जो बैक्टीरिया है मतलब जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिक्स हैं माइटोकांड्रियन प्लास्टिड, वो उनकी ओरिजिन किससे हुई है हाँ अच्छा एक मिनट के लिए हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं ठीक है देखिए हम पढ़ाते रहते तो बीच में हम कमेंट्स नहीं ले पाते ये मेरी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है तो एक मिनट के लिए, क्योंकि हो नहीं पाता है तो एक मिनट के लिए हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं आप बताओ राधा अंकित मैम टफ लग रहा है प्लीज़ कोई बुक बताइए अभी स्टार्ट करें अगर आपको मेरा पढ़ाया टफ लगेगा या किसी भी टीचर का पढ़ाया टफ लगेगा तो बुक से आप यकीन मान लो कि बुक से तो नहीं पढ़ पाओगे ठीक है बुक्स तो बहुत सारी है वॉटसन की बुक है और नॉर्मल बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो ना आप जो ट्वेल्थ में आपने पढ़ा हुआ है ठीक है ओके और किसी की कोई क्वेरी है आ, भावना सागर मैम प्लीज बताओ फी कैसे पे करें तो आप हेल्पलाइन पे बात करिए जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे आपको फी पे करना है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और जैसे जैसे जो जो क्राइटेरिया होगा उसको आप करते जाइए और उसके बाद पढ़ते जाइए फॉर्म फिल करते आ, मतलब पेमेंट कर दीजिए ओके तो चले स्टार्ट करें क्या स्टार्ट करें आगे तो एंडोसिम्बायट थियरी आपको समझ आ गया सभी को ओके hmm. डन okay, इतनी सारी बातें आपको अगर क्लियर हो गई हैं तो अब हम कहां थे इसको आते देखिए हम चाहते हैं किसी चीज़ को आप बेसिक से कॉम्प्लेक्स पढ़ें बीच में से कूद कूद के ना पढ़ें अगर बीच में से कूद कूद के पढ़ेंगे तो फिर शायद आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो हम लोग यहां पे पढ़ रहे थे हमने कहा था कि डीएनए नेकेड हो सकता है नॉन नेकेड हो सकता है नेकेड मतलब हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस अब हम आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताएंगे तब हम आपको और स्टार्ट मतलब नाइट्रोजिनस बेस से स्टार्ट करेंगे अब अगर हम आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करें है ना हिस्टोन प्रोटीन है क्या अच्छा एक बात ये समझना वॉट इज हिस्टोन प्रोटीन तो हमने आपको कहा कि हिस्टोन प्रोटीन तो हमें समझ आ गया कि भाई देखो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है डीएनए को डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन की क्या जरूरत पड़ गई तो हमें एक बात तो पता है कि डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन ही बाइंड करेगा है ना हाँ इसका एक एक्सेप्शन है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन एक ऐसी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है जो उससे बाइंड करती है उस प्रोटीन का नाम आप हमें बताएंगे हमने कहा डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही उसको बाइंड कर पाएगा लेकिन एक एक्सेप्शन है डीएनए नेगेटिव चार्ज है लेकिन ऐसी एक नेगेटिव प्रोटीन होती है जो डीएनए से बाइंड करती नेगेटिव प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए नहीं पॉलीअमीन की अगर हम बात करें तो फिर वो आ जाएगा आपका प्रोकैरियोट में अरे डीएनए का सबसे बड़ा साथी डीएनए का सबसे बड़ा साथी दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज अब आप कहोगे ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है और डीएनए अगर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करें सपोज करो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए पॉल है, है ना और यही रेप्लिकेशन करवाता है इसका जो एक्टिव साइट होता है न ये हम थोड़ा डिटेल बात बता रहे हैं आपको इसका जो एक्टिव साइट होता है उस पर दो नेगेटिवली अमाइनो नेगेटिव अमीनो एसिड होते हैं एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड अब आपके दिमाग में आएगा आपके दिमाग में ये दोनों नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड हैं कैसे है? हैं ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड हैं ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड हैं दोनों नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड हैं तो कैसे पॉसिबल हो पाता है भाई कि डीएनए एन भी नेगेटिव चार्ज है और ये डीएनए पॉलीमरेज़ कैसे फिर इससे बाइंड तो मान लो जब डीएनए एन रेप्लीकेशन होता है ना मेरी बात को ध्यान समझना ये डीएनए से डीएनए जब बनना स्टार्ट होता है तो डीएनए पॉल जब एंजाइम इससे बाइंड करता है ये डीएनए पॉल तो ये बाइंड तो नहीं कर पाता हम लोग दिखा देते हैं कि डीएनए पॉल बाइंड करता है लेकिन ये बाइंड इसलिए नहीं कर पाता कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है है ना अब इसको अब नेचर ने डीएनए पॉल बनाने से पहले ये नहीं सोचा था उसने बना दिया तो फिर जब मॉडिफिकेशन का वक्त आया होगा कि भाई डीएनए नेगेटिव चार्ज है डीएनए पॉल भी नेगेटिव चार्ज है अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि पूरा डीएनए पॉल को कैसे बदले तो वहां पर इसीलिए हमने कहा डीएनए पॉल रिक्वायर्स एम जी प्लस टू एम जी प्लस टू सुलह कराता है।, है ना सुलह मतलब समझौता कराता है हमने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्स एम जी प्लस टू एम जी प्लस ये काम करवाता है जब हम आपको डी एन पॉलीमरेज पढ़ाएंगे तब तो सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करवाता है सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन कराता है कैसे कराता है आई विल टेल यू लेटर ओके आई विल टेल यू लेटर तो ये याद रखना कि हमने कहा था जो डी एन ए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका भी को फैक्टर एम जी प्लस होता है और ये जाके इन दोनों का सुलह कराते हैं कि तुम भी नेगेटिवली चार्ज हो तुम भी नेगेटिव चार्ज हो तो बीच का कोई रास्ता ढूंढते हैं वो एम जी प्लस टू करवाता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है इतनी बात सभी को समझ आ रही है चलो अब वॉट इज द नीड है ना वॉट इज द नीड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन वॉट इज द नीड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों है डीएनए को क्योंकि डीएनए अकेला काफ़ी है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों है तो आपको एक आंसर करना होगा कि यहां पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इसका आंसर क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए डीएनए की पैकेजिंग के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती अब डीएनए की पैकेजिंग क्यों करनी है भाई क्या मतलब है इसका क्या मतलब है डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है तो आगे इसको समझेंगे हम लोग कि डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है अब देखना वाई पैकेजिंग का रीजन भाई क्या जरूरत है क्या जरूरत है डीएनए पैकेजिंग की तो एक बात आपको बता दें कि हमारे पास दो चीज़ है हमारे पास दो चीज़ है हमारा जो फोर्टी सिक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो फोर्टी सॉरी ट्वेंट ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए की लेंथ दो दशमलव दो मीटर होती है उसकी लेंथ कितनी होती है दो मीटर के आसपास होती है ठीक है अब ये ये होता कहाँ है इन न्यूक्लियस अब ये चीज कहाँ होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है भाई क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एंड डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है अगर हम न्यूक्लियस का डायमीटर या डायमेंशन देखें तो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है टेंट पॉवर माइनस सिक्स मीटर अब आप सोच सकते हो ये कितने गुना छोटा है इस डीएनए से दो दशमलव दो मीटर लंबा डीएनए और न्यूक्लियस इतना छोटा अब इतने छोटे से न्यूक्लियस जिसका डायमेंशन टेंट पॉर माइनस सिक्स मीटर है इसके अंदर हमें दो दशमलव दो मीटर का डीएनए रखना है दो दसमलव दो मीटर का डीएनए रखना है अब हमें समझ में आना चाहिए कि क्या ये डीएनए इस न्यूक्लियस में ऐसे रह सकता है नहीं रह सकता इतना लंबा डीएनए और डायमेंशन न्यूक्लियस का इतना छोटा तो क्या ये दो दशमलव दो मीटर डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है नहीं रह सकता तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए नीड ऑफ डीएनए पैकेजिंग डीएनए पैकेजिंग अब आपको हम बार बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास एक छोटा सा कमरा है है ना छोटी सी स्पेस है मान लीजिए दस बाई दस का रूम है और उसमें आपको एक हजार मीटर रस्सी रखनी है है ना और फैला के रख रखनी है रस्सी तो आप क्या करोगे उस रस्सी को आप फैला के तो नहीं रख सकते क्योंकि यू केरियोटिक डीएनए लीनियर होता है यू कैरिओटिक डीएनए लीनियर होता है और पैकेजिंग भी अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेजिंग तो यू कैरियोट में ही होगा क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन तो हमें यूकेरियॉट में ही देखने को मिलता है इतनी बात सबको समझ आ रही है तो क्या हम एक छोटे से मैम पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है भाई मेरे यहां तो बहुत क्लियर आ रही है मेरे यहाँ तो बहुत क्लियर आ रही है तो क्या हम एक छोटे से डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इतनी बड़ी डीएनए लीनियर डीएनए को रख सकते नहीं रख सकते उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस कमरे में उस रस्सी को फैलाने के लिए हमें उसकी क्वाइलिंग करनी पड़ेगी है ना कि हम उसको क्वाइल करके रख दें सेम वही कंडीशन है कि न्यूक्लियस इतना छोटा है और डीएनए की लेंथ क्योंकि ये लीनियर है लीनियर है तो लीनियर डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा पैक करना पड़ेगा और उसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है।, है ना उसे पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है और आपको हमने बताया कि डीएनए पैकेजिंग अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत कहाँ नहीं होती है जहाँ सर्कुलर डीएनए है सर्कुलर डीएनए कहां कहाँ है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है प्लास्टिक डीएनए है और प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग करवाते हैं उन प्रोटीन्स को पॉलीअमाइंस कहते हैं तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए पैकेजिंग होती है ऐसी बात नहीं है डीएनए पैकेजिंग होती है लेकिन यहाँ पे पॉलीअमाइंस प्रोटीन पॉलीअमाइंस विद हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ पॉलीअमाइंस प्रोटीन ठीक है कुछ प्रोटीन होती हैं जो बेसिक प्रोटीन होती हैं पॉलीअमाइंस वो तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये अब आपको नीड समझ में आ गया कि नीड क्या है पैकेजिंग का नीड समझ आ गया पैकेजिंग का नीड क्या है डन है सभी को आगे चले क्या हम्म अब हम देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग होती कैसे है तो एक बार इसको समझ लेते हैं चलिए ऑल क्लियर जल्दी से बताइए ओके okay, अब आ जाते हैं वॉट इज द नीड ऑफ डी एन ए पैकेजिंग हमें समझ में आ गया कि हिस्टो क्योंकि डी एन ए का ऐसा ऐसा है तो फिर हमें यहाँ पे डी एन ए पैकेजिंग अब हम एक बार देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है हिस्टोन प्रोटीन इसको हम और हमने आपको हिस्टोन प्रोटीन सेल बायोलॉजी में पढ़ाया भी है लेकिन एक बार वापस से इसको हम रिवाइज करा रहे हैं सेल बायोलॉजी में हमने आपको इसको पढ़ाया है लेकिन इसको हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं देख लीजिए हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये एक बेसिक प्रोटीन अच्छा हमने ये भी बताया था कि जनरली हमारी हर सेल ये प्रेजेंट इन ऑल सेल प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के हर सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट बताओ एक्सेप्ट कहां एक्सेप्ट ऐसा किसका डीएनए ऐसा किस सेल का डीएनए है जिसमें पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता कुछ और प्रोटीन होती है फटाफट बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से बताएंगे देखते हैं हमने बता रखा है मेरे ख्याल से हमने ये बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अंशिका मौर्य अरे नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अब नहीं। वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक को छोड़ के पूछ रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को छोड़ के पूछ रहे जर्माइनल सेल महरीन बानो कुछ हद तक उन्होंने सही बताया जर्माइनल सेल वेरी गुड हमने बताया था स्पॉम डीएनए स्पॉम डीएनए स्पॉम डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता भाई हिस्टोन नहीं होता वहां पे एक अलग सी प्रोटीन होती जिसको प्रोटामाइन्स कहते हैं प्रोटामाइन्स कहते और ये आर्जिनिन रिच होता है आर्जिनिन रिच होता है वेरी वेरी आईएमपी बताओ स्पर्म डीएनए स्पर्म डीएनए है ना ठीक है वेरी गुड अब आ गया समझ में सभी को याद आ गया मैम हाँ याद आ गया देखो प्रियंका पटेल के मैं आपने नहीं बताया हमने बायोमोलिक्यूल में बताया था इसको ठीक हम्म चलिए ठीक है अब हम देख लेते हैं ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना हिस्टोन प्रोटीन दो तरीके का होता है एक होता है दैट इज लिंकर हिस्टोन लिंकर हिस्टोन या एक होता है V8 या इसको हम हिस्टोन के नाम से जानते हैं हैं हिस्टोन के नाम से जानते मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे जब आपको डीएनए की बेसिक नहीं पता होगी और नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में नहीं पता होगा है ना तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कैसे पढ़ेंगे आप ठीक है चलिए लिंकर हिस्टोन किसको कहते हैं एच वन हिस्टोन को कहते हैं एच वन हिस्टोन को कहते हैं और हिस्टोन ऑक्टमर में चार तरीके के हिस्टोन होते हैं एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर इन सब के दो दो यूनिट होते हैं इसके दो इसको दो इसके दो इसको दो तो ये फोर डिफरेंट काइंड के होते हैं तो एच वन हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन कहते हैं और इन सब की यूनिट और ये चारों ये चारों इस तरीके से आपस में जुड़ के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपके समझने के लिए ये एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर इसकी भी दो कॉपी इसकी भी दो यूनिट इसकी भी दो और इसकी भी दो है ना तो यही है हिस्टोन ऑक्टामर अब आपको हिस्टोन ऑक्टामर समझ आया क्या ठीक है और इसको V8 के नाम से भी जानते हैं. इसको हम V8 के नाम से भी जानते हैं. हाँ अब बताइए हिस्टोन ऑक्टामर सभी को समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं है यहां तक है ना हिस्टोन ऑक्टामर सभी को समझ आ गया वेरी गुड अब हम आते हैं कि पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है तो देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं बाकी हमने आपको इसको पढ़ा भी रखा है शायद पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता क्या है कि एक हिस्टोन ऑक्टमर सपोज करो ये एक हिस्टोन ऑक्टमर है ये एक हिस्टोन ऑक्टमर है ये एक हिस्टोन ऑक्टमर है हिस्टोन ऑक्टमर तो ये हिस्टोन ऑक्टमर है ये सब है ना हिस्टोन ऑक्टमर के चारों तरफ हिस्टोन ऑक्टमर के चारों तरफ जो डीएनए होता है वो क्वाइलिंग करना स्टार्ट कर देता है जैसे होता क्या है कि आपके पास मोतियों की माला हो मोतियों की माला मतलब माला का जो धागा है वो डीएनए है और जो मोती है वो हिस्टोन प्रोटीन है है ना तो बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं इसको क्या कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं तो अब हम ये, आपको बता दें कि यहाँ पे जो डीएनए होता है डीएनए लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में 1.34 मतलब आप सॉरी 1.74 टाइम्स क्वालिंग ऐसे करता है ठीक है ऐसे जस्ट आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये हमारा डीएनए है अब आप एक बात बताना ध्यान से समझने की कोशिश करना ठीक है डीएनए ने हिस्टोन ऑक्टमर के चारों तरफ कितनी बार क्वाइलिंग करी है 1.75 टर्न और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्वाइलिंग करता है ठीक है और उसके बाद ये तो हिस्टोन ऑक्टमर है इसको हम हिस्टोन ऑक्टमर है मतलब V8 है ये V8 है ये V8 है, ये V8 है और ये वी है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हि, हि, हिस्टोन एच वन हिस्टोन कहाँ होता है एच वन हिस्टोन एक तरीके की प्रोटीन है ये इस बीच में आ जाती है ये कहाँ पे रहती है ऐसे डीएनए जैसे आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बॉल ले लिए ठीक है ना आठ बॉल आपने ले लिया है और आठ बॉल को आपको एक साथ रखना है तो एक रस्सी से आपने बांधा उसको है ना तो ये तो हो गया ये कहानी लेकिन अगर आपने उस रस्सी को कॉर्नर से या पीछे से नहीं बांधोगे तो वो आठों बॉल खुल जाएंगे तो पीछे से कॉर्नर से बाइंड करने के लिए एच वन हिस्टोन है ये क्या है दिस इज द एच वन हिस्टोन दिस इज एच वन हिस्टोन तो एच वन हिस्टोन यहाँ बीच में है अलग है इसी को हम क्या कहते हैं लिंकर हिस्टोन के नाम से जानते इसी को हम लिंकर हिस्टोन के नाम से जानते तो आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बताओ आप हिस्टोन आक्टमर का पार्ट कौन नहीं है तो आप कहोगे लिंकर हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ हाँ इस मॉडल को हम लोग बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं क्या कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल ठीक है आगे चल के आगे चल के कुछ और मतलब हायर लेवल पे इसका कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होता है फर्दर पैकेजिंग होती है इसकी जब इसकी फर्दर पैकेजिंग होती है ना ध्यान से समझिएगा जब इसकी फर्दर पैकेजिंग होती है तो अभी क्या हुआ अभी पैकेजिंग के लिए हमारे पास डीएनए और हिस्टोन था अभी पैकेजिंग के लिए हमारे पास डीएनए और हिस्टोन था है ना इतनी बात सभी को समझ आ रही है लेकिन फर्दर पैकेजिंग के लिए न, क्या चाहिए हमें आर भी चाहिए और नॉन हिस्टोन भी चाहिए आर भी चाहिए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए है ना तब बनेगा हमारा सोलेनोइड मॉडल क्या बनेगा सोलेनोइड मॉडल बनेगा और जब सोलेनोइड मॉडल बनेगा तो फिर यही आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाते क्या बनाते हैं क्रोमोसोम्स बनाते और जब क्रोमोसोम्स बनाते हैं तो इसीलिए बहुत से धुरंधर लोग बताते हैं कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है बस डीएनए है एंड हिस्टोन है अब आप हमें बताना क्रोमोसोम में बस डीएनए है हिस्टोन है या क्रोमोसोम में बस डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन है है ना आप हमें बताना कि क्रोमोसोम में आरएनए प्लस हिस्टोन है या क्रोमोसोम में या या क्रोमोसोम में डीएनए भी है आरएनए भी है हिस्टोन भी है और नॉन हिस्टोन भी है अब बताओ ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहोगे ये गलत ये गलत ये गलत ये सही है क्या सही है क्या सही है हाँ क्या सही है क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है डीएनए भी है आरएनए भी है हिस्टोन भी है नॉन हिस्टोन भी है अब बताइए आपसे ये टीजीटी पीजीटी एल टी सवाल पूछा भी जाता है ऑप्शन ऐसे ही दिए रहते हैं आपको टिक करना है डीएनए भी है आर भी है हिस्टोन भी है नॉन हिस्टोन भी है है ना कभी किसी की बातों में बताना कि बस डीएनए और हिस्टोन है डीएनए एन आर हिस्टोन नॉन हिस्टोन सभी होता है क्रोमोसोम में इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या डन है सभी को अब चलिए हम आपको बता रहे हैं अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो डीएनए ने क्या किया अब मेरी बात को ध्यान से सुनना ये जो डीएनए है ये जो डीएनए है डीएनए एक तो डीएनए क्या है डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टमर दो तरीके का डीएनए है डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टमर हिस्टोन ऑक्टामर इस डीएनए को हम कोर डीएनए कहते हैं क्या कहते हैं भाई कोर डीएनए कहते हैं जल्दी से देखो ओके okay? और दो कोर डीएनए के बीच में या दो हिस्टोन ऑक्टमर के बीच वाला जो डीएनए है इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते, है? कहते हैं लिंकर डीएनए कहते इतनी बात सभी को समझ आ रही है जल्दी से बताओ अरे भाई मैम क्रोमैटिन में क्या है क्रोमेटिन भी तो क्रोमोजोम ही है ना अभी बताते हैं आपको क्रोमेटिन और क्रोमोजोम का सावधानी से सुनिए पहले है ना क्रोमेटिन और क्रोमोजोम में अंतर क्या है उसको भी बताते हाँ इतनी बात समझ आ रही है तो अब हमें एक बात समझ आ गई कि डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ है वो दो जगह पे है यहां पे हम आपको बता रहे हैं डीएनए कहाँ कहाँ है तो आप देखना पैकेजिंग के दौरान जो डीएनए है ना डीएनए दो जगह है डीएनए कहां पे है अराउंड हिस्टोन ऑक्टोबर अराउंड हिस्टोन ऑक्टमर हिस्टोन ऑक्टमर के चारों तरफ डी एन ए कितना है और इस डीएनए को हम क्या कहते हैं कॉल्ड एज कॉल्ड एज एकदम स्पष्ट लिखना को डी एन ए इसको हम कोडीएनए कहते हैं ठीक है और इस को डी एन ए में जो डी एन ए है अब ये हिस्टोन ऑक्ट तो आप एक बात ये देखना कि जो को डी एन ए हमें है वो एक को डीएनए में एक हिस्टोन ऑक्टोबर के चार तरफ डीएनए कितना रैप करता है तो डीएनए रैप्स डीएनए रैप्स अराउंड 1.75 टर्न्स कितना या 134 टर्न्स इसको ऐसे भी लिखते हैं ठीक और दूसरी चीज इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है ना ठीक है और नंबर ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ बेस पेयर इन कोर डी एन कोर में कितना बेस पेयर होता है डीएनए में तो अराउंड 146 बेस पेयर कितना होता है 146 बेस पेयर के आसपास होता है 146 या 145 बेस पेयर के आसपास होता है ठीक है दूसरा डीएनए कहां पे है तो दूसरा डीएनए आप देखेंगे बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टमर बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टमर ठीक इस डीएनए को हम कॉल्ड एज क्या है इस डीएनए को हम क्या कहते हैं तो इस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए लिंकर डीएनए कहते हैं अच्छा ठीक है लिंकर डीएनए की अगर हम बात करें तो लिंकर डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं दैट इज अराउंड 54 बेस पेयर ठीक अब इन दोनों को ही मिला के इन दोनों को मिला के मतलब कोर डीएनए कोर रीजन जो हमारे पास है, जो कोर रीजन है प्लस जो लिंकर रीजन है लिंकर रीजन है अच्छा कोर रीजन में क्या होगा कोर रीजन में हमारे पास 146 बेस पेयर डीएनए है प्लस हिस्टोन ऑक्टामर है लिंकर रीजन में हमारे पास 54 बेस पेयर डीएनए है प्लस एच वन हिस्टोन है इसी को मिला के हम क्या कह देते हैं अराउंड टू हंड्रेड बेस पेयर हो गया इसी को मिला के हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम क्या कह देते हैं न्यूक्लियोसोम इसी को मिला के हम क्या कह देते हैं न्यूक्लियोसोम साक्षी तिवारी पूछ रही मैम आरएनए कैसे क्रोमोसोम में होता है होता है भाई आरएनए होता है ठीक है आप सारे लेक्चर्स अच्छे से समझिए तो आपको समझ में आएगा ठीक है साक्षी तिवारी ओके कुछ भी यहां पे आपको गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है ओके okay. ठीक पहले आपसे क्या पूछा गया कि जो कोर रीजन और लिंकर रीजन इन दोनों को ही मिला के हम न्यूक्लियोसोम कह देते तो अब आपसे पूछ दिया जाता है कि न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर है तो आपका आंसर क्या आना जाए आ, आएगा दैट इज 200 बेस पेयर कितना दो बेस पेयर के आसपास है न्यूक्लियोसोम में है ना अब देखिए प्लीज बी अटेंटिव और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बी अटेंटिव इतनी बात सभी को समझ आ रही है तो वापस से इसको देखिए यहाँ पे ये कोर डीएनए है यहाँ लिंकर डीएनए है यहाँ वी एट है और H1 वन है कोर डीएनए में 140 सौ चालीस है लिंकर डीएनए में 54 फोर बेस्वेयर है तो कुल मिला के आप कहेंगे कि ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया और एक न्यूक्लियोसोम में कितना है आपके पास 200 सौ बेसपेयर के आसपास है इतनी बात सभी को समझ आ रही है चलिए अब हमने क्या देखा था हमने देखा था हमने क्या देखा था कि हमारे पास था ये डीएनए अच्छा डीएनए है ना इस डीएनए का डायमीटर कितना था भाई आप बताओ डीएनए का डायमीटर कितना होता है ट्वेंटी एंगस्ट्राम या टू नैनोमीटर यही होता है ना अच्छा एक चीज और हम लोग ऐसे डीएनए को ऐसे बना देते हैं ऐसे बना देते हैं ना ऐसे बना देते क्या वास्तव में डीएनए दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं क्या क्या वास्तव में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं क्या बुक में या फिर हम लोग हम लोग को बनाना होता है तो हम लोग बना देते ऐसे बना क्रॉस बना देते हैं वास्तव में ये दोनों स्ट्रैंड कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते वास्तव में ये दोनों स्टैंड कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते ये जैसे सीढ़ी होती है ना सीढ़ी की तो जो रेलिंग होती है रेलिंग है ना वैसे अब मान लो घुमावदार सीढ़ी कहीं है तो एक रेलिंग ऐसे जा रही है तो दूसरी उसी के उसी को कॉपी करते हुए जा रही होती है बस वैसे होता है डीएनए डीएनए के दोनों स्टैंड कभी क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को हाँ डी एन के दोनों स्ट्रैंड कभी ये ये नहीं कि यहाँ पे क्रॉस है ये नहीं कि यहाँ ये क्रॉस है है ना ये क्रॉस कभी नहीं होता इसलिए हम लोग ऐसे बना देते हैं ना ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाने के चक्कर में क्रॉस करना पड़ता है हमें लेकिन ये एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपको क्रॉस ये क्रॉस है नहीं ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे होता है एक्चुअली में डीएनए ऐसे भी कभी नहीं होता जो हम ऐसे बना देते हैं ऐसे ऐसे है ना डीएनए ऐसा होता है एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल ऐसे और ये क्रॉस नहीं करेगा भाई उसको उसके ऊपर से उठ के जाएगा फिर ऐसे फिर इसको क्रॉस नहीं करेगा कभी है ना इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या चलिए तो ये बात तो आपको याद होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास डीएनए के डायमीटर इतना होता है इसके साथ किसका एसोसिएशन हुआ हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इसने रैप किया ठीक है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बना ऐसा स्ट्रक्चर बन गया क्या बन गया बताइए ये क्या है हिस्टोन ऑक्टोमर ऑक्टोमर हमने, हमने ऐसे दिखा दिया ये ऐसा स्ट्रैंड ऐसे बन गया तो यहां पे आप देखिए ये ऐसा स्ट्रैंड बन गया ठीक है प्लस आपको याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी एसोसिएशन होता है हायर लेवल पे प्लस आर का भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्लस थोड़ा बहुत आरएनए का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमैटिन क्या कह देते हैं क्रोमैटिन अब देखना क्रोमैटिन और इस क्रोमैटिन का जो यूनिट है यूनिट क्या है न्यूक्लियोसोम भाई आप बताओ ये पूरा क्रोमैटिन मिलके एक एक बेसिक यूनिट इसकी क्या है इसकी न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन बताया ना न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन है ना अच्छा जब क्रोमैटिन बनता है ना तो क्रोमेटिन का डायमीटर 11 नैनोमीटर के आसपास होता है कितना ये दो नैनोमीटर से इसका डायमीटर 11 हो जाता है थोड़ा और अब ये क्रोमेटिन है क्या ये लूजली पैक्ड है अभी थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है और क्रोमेटिन का अगर फर्दर कंडेंसेशन हो जाता है आपको पता है क्रोमेटिन का फर्दर कंडेंसेशन हो जाता है कंडेंसेशन का मतलब वाटर वगैरह रिमूव हो जाता है और हाईली पैक्ड हो जाते हैं तो ये थोड़ा डेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है और जब ये डेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है तो इसी को हम क्रोमोसोम कहने लग जाते हैं क्रोमोसोम का डायमीटर लगभग लगभग तीन सौ नैनोमीटर के आसपास होता है जब यही क्रोमोसोम डबल स्टैंड में हो जाता है है ना मतलब दो क्रोमेटिड यहां पे जुड़ जाते हैं ठीक है दो क्रोमेटिड बीच में ये सेंट्रोमियर है सेंट्रोमियर दो स्टैंड वाला तब इसका डायमीटर 700 हंड्रेड नैनोमीटर के आसपास होता है, कितना 700 हंड्रेड नैनोमीटर तो चाहे क्रोमेटिन हो चाहे क्रोमोसोम हो चाहे क्रोमेटिन हो चाहे क्रोमोसोम हो क्रोमोसोम की भी यूनिट क्या है न्यूक्लियोसोम क्या है भाई न्यूक्लियो सोम ही तो है ना बस अंतर क्या है क्रोमैटिन हमें कहां देखने को मिलता है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फर्क हमने आपको बताया था कि क्रोमैटिन टर्म क्रोमैटिन टर्म हमें इंटरफेज में देखने मिलता है सेल साइकिल के इंटरफेज में आई फेज मतलब वन एस और जी टू अब किताबें लिखती एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ कभी क्रोमोसोम कह ही नहीं सकते उसको जीवन में भी उसको क्रोमैटिन ही कहा जाता है एस में भी उसको क्रोमेटिन ही कहा जाता है और जी टू में भी उसको क्रोमेटिन ही कहा जाता है अब किताबों में लिखा रहता है कि इतना इतना क्रोमोसोम जीवन में है तो एस फेज में कितना क्रोमोसोम होगा एक्चुअली वो क्रोमेटिन लूज अरेंजमेंट होता है उसको हम क्रोमैटिन ही कहते हैं ठीक है फिर हमें क्रोमैटिन टर्म प्रो फेज में भी देखने को मिलता है प्रोफेज में जाके ये क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट होता है तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होने लग जाता है जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होने लग जाता है तो फिर हमें हमें क्रोमोसोम कहां देखने मिलता है सेल में क्रोमोसोम हमें दो जगह बस देखने मिलेगा मेटा फेज में और एनाफेज में ठीक है मेटाफेज में और एनाफेज में वापस से हमें टीलोफेज में वापस से क्रोमोसोम फिर क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है टीलो फेज में वापस से क्रोमोसोम फिर क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है तो टीलो फेज में भी हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है तो क्रोमोसोम जो है वो हमें दो ही जगह पढ़ने को मिलता है सेलसाइकिल में मेटाफेज में और एनाफेज में इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या क्रोमोसोम हमें बस दो ही जगह देखने को मिलता है कहा मेटाफेज में और एनाफेज में क्रोमैटिन हमें आई फेज मतलब जी वन एस जी टू में प्रोफेज में क्रोमैटिन ही रहता है लेकिन वो कंडेंस हो जाता है और फिर वो मेटाफेज आते आते क्रोमोसोम और एनाफेज में भी क्रोमोसोम तो अब अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि आप हमें बताओ आप हमें बताओ वॉट इज क्रोमैटिन या क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम ये तीनों क्या है ये तीनों कहलाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन ये तीनों न्यूक्लियो प्रोटीन है क्यों क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बने हैं मेनली तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बने ठीक है इतनी बात सभी को समझ आई क्रोमैटिन क्रोमोसोम और न्यूक्लियोसोम में अंतर आया समझ आया ठीक न्यूक्लियोसोम की डिस्कवरी आउटडेट ने की थी आउटडेट कुछ एक साइंटिस्ट थे एक मिनट बताइए पहले आपको ये समझ आया हम्म ये बात सबको समझ आ गया या नहीं बताइए जल्दी से हालांकि न्यूक्लियोसोम को ही V8 कहा जाता है हमने V8 कह दिया उसको लेकिन न्यूक्लियोसोम को V8 कहते हैं लेकिन आप वहीं पे समझना उसको चलिए छोड़ दीजिए V8 भी कह सकते हैं इसको हाँ क्लियर है सभी को अब बताओ ये जो डीएनए फैला हुआ सा था दो दशमलव दो मीटर का डीएनए था ठीक है ना दो दशमलव दो मीटर का डीएनए था तो अब इस डीएनए की लंबाई कितनी मतलब अब डीएनए कैसा हो जाएगा क्वाइल टाइप से हो जाएगा एक क्वेश्चन हमने आपको याद करिए हमने एक क्वेश्चन लगवाया हुआ था शायद आप लोगों को याद हो रहा होगा कि अग, अगर आपको चलिए चले आगे चले अब अगर आपको एक डीएनए की लेंथ दे दी गई क्वेश्चन देखना लेंथ ऑफ डीएनए इज 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन सिक्स बेस पेयर एक डीएनए की लंबाई इतनी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना होगा जल्दी से बताइए इस डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे फटाफट बताना है जल्दी से बताना है शुक्ला फैमिली नेहा मौर्य अनुप्रिया महरीन बानो रुचि सिंह नवीन वर्मा रिवीजन एकेडमी केपी भास्कर कैलकुलेट करिए <coughs> एक डीएनए की लंबाई आपको तीन दसमलव दो इंटू टेन पॉइंट सिक्स बेस पेयर है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना होगा फटाफट बताइए अनुप्रिया जेनेटिक्स लास्ट लेक्चर प्राइवेटाइज्ड आई नीड इट तो जेंटिक्स का लास्ट लेक्चर तो एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है ना तो आप हेल्पलाइन पे बात कर लीजिए और आप एप्लीकेशन पे हो एडमिशन होगा आपका तो आपको मिल जाएगा अरे फटाफट बताएंगे वर्षा आनंद अरे सीधी सी बात है भाई नंबर ऑफ इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लगाएंगे आप ये क्वेश्चन आपसे उसमें पूछा गया था किसी सेट एग्जामिनेशन में आता था सेट का पेपर सॉल्व करा रहे थे तो हमने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था याद आ रहा है कि नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना हम यहां पे। एक सिंगल वर्ड भी यहां पे गलत बोला हो हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि नहीं अभी जल्दी ठीक है तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन न्यूक्लियोसोम इज 200 हंड्रेड बेस पेयर और डीएनए की लंबाई इतनी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना हो जाएगा इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन 3.2 पॉइंट टू इन पॉट सिक्स लॉन्ग डीएनए तो आप कैसे लगाएंगे भैया इसको लगाएंगे 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन सिक्स लॉन्ग डीएनए है इंटू टू हंड्रेड बेसपेयर तो इसको आप सीधे सीधे लिख लेंगे थ्री पॉइंट टू इंटू टेन सिक्स अपॉन है ना टू इंटू टेंट पॉट टू ठीक है कर लो आप इसको तो ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा और ये टेंट पॉर फोर हो जाएगा तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पॉवर फोर बेस पेयर है ना तो मतलब ये कुल मिला के सोलह हजार बेस पेयर आ जाएगा अरे वाह यही आएगा ना इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं हाँ ठीक है अब बताइए क्या ये पॉइंट आपको एकदम डन है सभी को एकदम क्लियर है 100 परसेंट क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन क्रोमोसोम है ना सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन फॉर एट कहां से आ रहा है अंशिका मौर्य राधा अंकित थोड़ा सा वेट कर लीजिए इतना उतावलापन नहीं दिखाते हैं लास्ट क्लास के लास्ट में आ, बात नहीं भाई बिल्कुल बात नहीं क्लास के लास्ट में हम लोग जो भी आपकी क्वेरीज होंगी जिनकी भी क्वेरीज होंगी उसको हम लोग लेंगे ठीक है चलिए अब ये हमें ये बेसिक हम लोग का एकदम अच्छे से अब हमें इतनी बात तो समझ आ गई एक बार आप अपनी कॉपी पलटिए और अपने आप से पूछिए कि आपने कितनी नई बातें सीखी होंगी है ना कितनी नई बातें आपने सीखी होंगी सारी चीजें क्लासिफिकेशन से लेके आपसे बहुत बार पूछ देता है कोडिंग आर कौन है नॉन कोडिंग आर में कौन कौन आता है है ना कैटेलिटिक आर कौन है नेकेड डीएनए क्या है नॉन नेकेड डीएनए क्या है है ना ठीक है एंडोसिम्बायट थियरी क्या है किसको एक्सप्लेन करता है एंडोसिम्बायोंट थियरी ठीक है इसके बाद आपको जानना होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है है ना ठीक है और इसकी जरूरत क्यों है हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए पैकेजिंग की जरूरत क्यों है हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है ये ह्यूमन की हर सेल में माइट्रोकोन्डी और प्लास्टिक को छोड़ दिया जाए तो ये स्पर्म डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता इसकी जगह पर प्रोटामाइन होता है आर्जेन रिच लिंकर हिस्टोन क्या है हिस्टोन ऑक्टामर क्या है ठीक है और फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोसोम क्या है को डीएनए लिंकर डीएनए एन में कितना बेस पेयर होता है न्यूक्लियोसोम क्या है ठीक है और उसके बाद हम लोग ये सारी बातें सीख चुके हैं और अब बताइए इसमें किसी को कोई समस्या है यहाँ तक अनुप्रिया इतने आप माइटोसिस और ए माइटोसिस में डिफरेंस सब आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हैं अगर आप आ, जस्ट <coughs> सब कुछ पढ़ाया जा चुका है अब हम यहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम इसको अब कहाँ सेल बायोलॉजी को यहाँ पे कैसे बताएं ए माइटोसिस इतना समझ लेना कि वहाँ पे ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक या बैक्टीरिया में होता है ठीक है एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो होते हैं वहाँ पे माइटोसिस होता है वहाँ की सेल्स ए माइटोसिस में बस इतना समझिए कि इसमें स्पिंडल फाइबर का रोल नहीं होता है सेल डिवीजन करने के लिए ठीक है आइए नेक्स्ट देखिए अब हम लोग आ जाते हैं हमने क्या बताया कि जो हम मोलिकुलर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड क्या है ये होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या इन्हीं को हम सिंपल सिंपल फॉर्म में पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कह देते पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं ठीक क्या कह देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं अब न्यूक्लिक एसिड है क्या तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हैं डीएनए और आरएनए ठीक है डीएनए डी डीऑक्सी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड चलिए अब यहीं पे हम साथ में लेके चल रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बने होते हैं तीन कंपोनेंट थ्री कंपोनेंट से मिलकर बने होते न्यूक्लियोटाइड्स थ्री कंपोनेंट से मिलकर सब आवाज क्लियर है सभी को ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस शुगर, नॉट फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड जो नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर हैं इनको हम मिला के न्यूक्लियोसाइड भी कह देते हैं तो अब आपसे सवाल आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला दो तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा या न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है तो हम यही देख लेते हैं ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है तो नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरीके के होते हैं प्यूरिन्स और पायरमेडीनस प्यूरिन्स में क्या आता है एडेनिन ग्वानिन पायरेमिडीन में क्या आता है साइटोसिन यूरेसिल ठीक है शुगर में क्या आता है अभी इनको हम पेंटो शुगर अभी कल ही बताया था भाई इसमें पांच कार्बन होगा है ना इसमें आते हैं डी ऑक्सी राइबो शुगर जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है और राइबो शुगर जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है सी फाइव एच टेन ओ फाइव लेकिन इसका फॉर्मूला होता है सी फाइव एच टेन ओ फोर एक अंतर है इन दोनों में एक ऑक्सीजन की कमी है अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं अब सवाल हमारे पास है कि डी में क्या है तो डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस क्या क्या है तो एडनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन एंड शुगर क्या है पेंटो शुगर यहाँ पे डी शुगर लेकिन आरएनए की बात करें तो आर में यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं एडनिन ग्वानिन और साइटोसिन तो है लेकिन थाइमिन की जगह आर में यूरेसिल होता है और यहाँ पे जो पेंटो शुगर है यहाँ पेंटो शुगर क्या होता है राइबोज बताइए इतनी बात सभी को समझ आई इतनी बात सभी को समझ आ रही है एक बार देख लीजिए फिर अब हम नाइट्रोजिनस बेसिस को और पेंटो शुगर को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे पेंटो शुगर और नाइट्रोजेनस बेसिस को डिटेल में बताएंगे हम्म <laughs> ठीक है बाकी फास्फोरिक एसिड का तो आप लोग जानते ही हैं ये है फास्फोरिक एसिड ये है, है ना एच थ्री ना फोर आपको पता है यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन दो बॉन्ड तो एच थ्री पीओ फोर एक दो तीन एक एच हाँ पांच बॉन्डिंग पांच पांच होगा ना ए दो तीन चार पांच तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो ये हो गया आपका फास्फोरिक एसिड मैम ये किस टाइप की क्लास हो रही है प्लीज रिप्लाई ये क्लास आपकी टी जी टी पी जी टी एल टी जे आई सी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारी क्लास है और आप सी एस आई आर में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको है ना ठीक है हाँ लेकिन पर्टिकुलर सी एस आई आर पढ़ना है तो मत लीजिएगा इसको अब आते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना नाइट्रोजिनस बेसिस पहला हमारा क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस कितने तरीके के हैं भाई दो तरीके के हैं यहाँ से देखिए अभी क्वेश्चन आया था हम हमेशा आपको पढ़ाते हैं और अभी ऐसा क्वेश्चन आया था purines, है ना और पायरेमेडींस नाइट्रोजिनस बेसेस कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के प्यूरिन और पायरेमेडिन हमें पता है प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन है और पायरेमिडिन में क्या है साइटोसिन है थाइमिन है और यूरेसिल है ठीक है अब आ जाते हैं हाँ चलिए आगे चलें ठीक है आगे चलें अब देखिए अगर हम प्यूरिन की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये होती है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर मतलब एक इसके पास ऐसे बेंजीन रिंग प्लस एक इसके पास ऐसा रिंग होगा ठीक है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर ये कैसा होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये नाइन मेंबर्ड होता है नाइन मेंबर्ड होता है ये सिक्स मेंबर्ड अगर सिंगल रिंग होगा इसका ऐसे सिंगल सिक्स तो यहां पे देखो छे सात सात आठ नौ छे सात आठ नौ और यहां पे बस छे तो ये सिक्स मेंबर्ड होता मेंबर में दो चीज है भाई नाइन मेंबर्ड में कार्बन प्लस नाइट्रोजन इस रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं और यहां पे भी कार्बन प्लस नाइट्रोजन रिंग किससे मिलके बना होता है कार्बन प्लस नाइट्रोजन से रिंग किससे मिलकर बना होता है कार्बन प्लस नाइट्रोजन अब इस नाइन मेंबर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे नाइन uh, मेंबर्ड की अगर हम बात करें तो फोर नाइट्रोजन और फाइव कार्बन होता है फोर नाइट्रोजन और फाइव कार्बन होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन आप लिखेंगे नाइट्रोजन एट वन थ्री सेवन नाइन पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जाता है किस किस पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है वन थ्री सेवन नाइन तो कार्बन किस किस पोजीशन पे होगा ये भी सवाल आ सकता है कार्बन एट टू फोर ठीक है ना सिक्स टू फोर फाइव सिक्स एट पोजीशन ठीक टू फोर फाइव सिक्स एट पोजीशन सिक्स मेंबर में यहां पे आपसे क्या पूछा जाता है देखिए ये सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ पे टू नाइट्रोजन और फोर कार्बन है ना दो नाइट्रोजन यहां पे नाइट्रोजन एट वन थ्री पोजिशन नाइट्रोजन किस पोजिशन पे होता है वन एंड थ्री और यहां पे कार्बन एट टू फोर फाइव सिक्स पोजिशन अब बताओ इतनी बात सभी को समझ आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन कर लीजिएगा वेरी वेरी आई एम पी एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी आई एम पी है ना ठीक बताइए इतनी बात सभी को डन है इतनी बात सभी को डन है चले यहाँ पे जो नॉमन क्लेचर होता है नॉमन क्लेचर जो करते हैं ना हम ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है यहाँ पे नॉमन क्लेचर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करते हैं एंटी क्लॉक वाइज कैसे करते भाई एंटी क्लॉक वाइज यहां से ऐसे आता है वन टू थ्री ऐसे करके फिर एंटी क्लॉक वाइज यहां पे नॉर्मन क्लेचर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करते हैं एक दो ऐसे ऐसे ठीक तो यहां पे नॉमन क्लेचर कैसे करते हैं नॉमन क्लेचर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताओ समझ आ रहा है सभी को ठीक है और अगर ये नाइट्रोजिनस बेस है अगर ये नाइट्रोजिनस बेस है तो ये शुगर से बाइंडिंग शो करेगा है ना किससे बाइंडिंग शो करेगा सुगर से तो शुगर जो मतलब सुगर से तो सुगर के किस कार्बन से और नाइट्रोजिनस बेस का कौन सा जो आ, आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल या एटम बाइंड करता है तो याद रखना जो आप कहेंगे बॉन्डिंग होती है यहां बॉन्डिंग किसके बीच में होती है तो आप प्लीज देखना या जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आगे अभी आपको समझाएंगे ना तो सब समझ आ जाएगा याद रखना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था लेकिन एन ग्लाइकोसिड मतलब नाइट्रोजनस बेस के साथ जो ग्लाइकोसिड बॉन्ड है वो हम लोग यहां पढ़ेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन यहां पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर Sugar, मतलब शुगर मतलब पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडिन जल्दी से बताइए ये बात इतनी सबको समझ आ रही है क्या ये बात सभी को समझ आ रही है डन है सभी को हंड्रेड परसेंट कोई दिक्कत नहीं हमने प्यूरिन समझ लिया पेरेडिन समझ लिया ये सारी बात आपको आनी चाहिए डबल रिंग्ड है नाइन मेंबर्ड है नाइट्रोजन वन थ्री सेवन नाइन पोजिशन पे है नॉमन क्लेचर एंटी क्लॉक कभी आपसे जैसे जीएससी यूपीएससी हम बार बार आपको बताने, बताते रहते हैं कि अगर आपको मेंस लिखना हुआ तो कैसे लिखना है अब आपको दे दिया प्यूरिन और पेरेमिडिन में अंतर तो आप क्या करोगे और ये तो आएगा फिफ्टी वर्ड से ज्यादा तो आएगा नहीं टेन मार्क्स में आएगा है ना अगर जीएससी का एग्जाम होता है तो फिफ्टी वर्ड से ज्यादा नहीं आएगा टेन मार्क्स में आएगा आप ऐसे बताओ ना एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कहां से हम नंबर काटे है ना हिम्मत ही नहीं होगी कि हम नंबर कहां से काटे समझ पा रहे हो मेरी बात को तो अगर आपने ऐसे बता दिया तो फिर लगेगा भैया ये वॉटसन रट के बैठा हुआ एकदम ठीक है ठीक है चलिए अब हम आ जाते हैं ये तो हमारा था ये आगे हम आपको एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, यूरेसिल इन सबका स्ट्रक्चर भी बताएंगे और उसका जो आईपीएससी नेम है वो भी बताएंगे उसका जो आईपीएससी नेम है वो भी बताएंगे है ना ना ही बस एडिनिन, एडनिन से बनने वाला इपोजेंथिन गुआनिन से बनने वाला जैन जब हम आपको म्यूटेशन पढ़ा रहे थे जेनेटिक्स में तो हमने आपको बताया था जब हमने डीएमिनेटिंग एजेंट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था अगर एडेनिन का डीएमिनेशन हो जाए तो क्या बनेगा गुआनिन का डिएमिनेशन हो जाए तो क्या बनेगा जैंथिन हाइपोजैंथिन थाइमिन का डिएमिनेशन हो जाए तो क्या बनेगा तो ये सब हमने आपको बताया था ये भी हम आपको ठीक, क्या नाम है रीता थ्री सिक्स जो भी है बताएंगे इनका डायग्राम भी बताएंगे हमारा काम है बताना आपको पढ़ना है पढ़िए नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिएगा उसको डायग्राम को तो अब हम आते हैं चलो पेंटो शुगर अगर हम पेंटो शुगर की बात करें एक भी क्वेश्चन देखो ये कभी मत सोचना कि हमें शॉर्टकट पढ़ना है अब जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं इनको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में क्योंकि आप सभी में से मोस्टली लोगों ने हम बार बार कहते हैं ना कि मोस्टली लोग यहाँ पे यू जी कंप्लीट तो सबका है पी जी भी हो बहुत से लोग आप नेट क्वालिफाइड भी हो बहुत से लोग पी एच डी भी कर रहे हो तो इसमें से हम हमेशा कहते हैं कि अब ये मैं सोचना अरे टीजीटी में इतना डिटेल पढ़ना है बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की करना चाहते हैं जीएससी की करना चाहते हैं तो उनको तो मजा आता है लेकिन मेरे पास कभी कभी मैसेज आते हैं है, मैम इतना डिटेल पूछता है टीजीटी में क्या नहीं पूछता टीजीटी पीएसटी में आप बताओ केवीएस में पूछा था कि नहीं पूछा था कि किस किस बॉन्ड मतलब न, न, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है कार्बन कौन सा इन्वॉल्व होता है ये सब एनवीएस में पूछा जाता है ऐसा तो क्या हम फिर केवीएस के लिए अलग बायोलॉजी पढ़ाएं एनवीएस के लिए अलग बायोलॉजी पढ़ाएं टीजीटी के लिए अलग बायोलॉजी पढ़ाएं पीजीटी के लिए अलग पढ़ाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना है ना बायोलॉजी हम लोग हमने जैसे जेंटिक्स आपको पढ़ाया चौदह लेक्चर लग गए उसको इतना डिटेल पढ़ाने में अगर देखा जाए तो. तो हर किसी उसके लिए बायोलॉजी अलग और आप क्यों शॉर्टकट पढ़ना चाहते हो जब आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हंड्रेड परसेंट बूस्टअप होगा आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले सामने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए बस एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ साथ आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए ठीक है चलिए अब अगर हम पेंटोस शुगर की बात करें तो शुगर में हमने एक क्राइटेरिया आपको बताया था एक क्राइटेरिया हमने शुगर का क्या बताया था आपको याद है जब हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे तो शुगर पढ़ाते टाइम या कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते टाइम क्या बताया था किसी को याद आ रहा है क्या हमने कहा था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वन टू वन है पहला सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो ये दे दिया जाता है ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लेकिन ये दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन यू कैन से ठीक है तो अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वन टू तो वन है तो फिर ये क्या है आप बताओ ये क्या है भाई साहब ये क्या है जल्दी से बताओ ये तो एसिटिक एसिड है मैम है ना आप कहोगे मैम ये तो एसिटिक एसिड है और यहाँ देखो कार्बन कितना है दो है कार्बन दो है हाइड्रोजन है, कितना है चार है और ऑक्सीजन कितना है दो है अरे ये क्या वन टू तो वन तो आया लेकिन ये एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट ना हो कि ये तो फैटी एसिड है सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड है ये भी बताया था हमने आपको सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड फैटी एसिड क्या था भाई हमने कहा था एक आर ग्रुप और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर सबसे सिंपलेस्ट सी थ्री है तो हो गया ये फैटी एसिड यही तो फैटी एसिड होता है तो फिर ऐसा क्यों है अच्छा ठीक है फिर ये क्या है सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री क्या है ये तो लैक्टिक एसिड है और यहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो वन टू वन है तो ये क्यों नहीं है कार्बोहाइड्रेट ये क्यों नहीं है कार्बोहाइड्रेट हाँ वेरी गुड देखिए अनुप्रिया ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा मोर देन टू होना चाहिए ठीक है तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट डेफिनेशन क्या दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी की टोन्स अब बताओ आप यही तो कहा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा ये कह के मत चले जाना कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वन टू वन है तो कार्बोहाइड्रेट है अब हमने ये भी कहा था अगर बात पेंटो शुगर की चल रही है तो यहां पे सी फाइव होना चाहिए तो सी फाइव है तो ठीक है लमसम एच टेन होगा और ओ फाइव होगा लेकिन यहाँ एक वेरिएशन ये भी देखने को मिला क्या पेंटो शुगर दो तरीके के हैं हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं एक राइबोज शुगर है और एक डीऑक्सी ऑक्सी राइबोस शुगर हां यहां थोड़ा अंतर आ जाता है कि राइबोस शुगर का सी फाइव एच टेन ओ फाइव होता है लेकिन डी ऑक्सी राइबोस शुगर का फार्मूला सी फाइव एच टेन फोर होता है एक ऑक्सीजन कम ये वन टू वन नहीं फुलफिल कर रहा है तब भी ये कार्बोहाइड्रेट है ये वन टू वन फुलफिल नहीं कर रहा है तब भी ये कार्बोहाइड्रेट है।, है, है तो देर आर एक्सेप्शन वेरी गुड चलिए अब हमने कहा कि राइबोज का फर, वो बनाइए डायग्राम तो बना के बताया था ये हमारा राइबोज ये है हमारा राइबोज ठीक है ये है हमारा राइबोस क्या करेंगे ये पहला कार्बन एच ओ एच एच ओ एच ये दूसरा कार्बन ये पहला कार्बन यहां ओ एच एच कर लो या सॉरी एच ओ एच नीचे ही करो क्योंकि फॉसोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है ठीक है सी एच टू ओ एच है ना एच कितना हुआ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ एच तो आप देखो आप ऑक्सीजन कितना है भैया कार्बन तो पांच हो गया एक दो तीन चार पांच पांचवां कार्बन रिंग से बाहर है ये याद रखना रिंग में केवल चार ही कार्बन है रिंग में केवल चार ही कार्बन है पांचवां कार्बन रिंग से बाहर है ये भी याद रखना ठीक है ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच हो गया और हाइड्रोजन दस हो गया अब डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर होता है डी में अंतर एक ये होता है कि हमने कहा था कि बस कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस हो जाता है कार्बन नंबर सेकेंड का जो ओएच है ओएच राइबोज में ओएच है नीचे लेकिन यहां पे एच कर दो बस तो एक ऑक्सीजन कम हो गया यहां एक ऑक्सीजन कम हो गया बाकी सब सेम रहेगा बाकी सब सेम रहेगा और इसका रीजन हम आगे आपको बताएंगे क्यू डीएनए और आरएनए में स्टेबल ज्यादा डीएनए होता है आरएनए ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है है ना एक रीज़न तो यहीं से है तो अगर आप कहेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डी एंड राइबोज शुगर तो आप कहेंगे डिफरेंस इन दोनों में क्या है डिफरेंस एट कार्बन नंबर टू है ना कार्बन नंबर टू पे अगर अगर ओ है तो ये राइबोज है और कार्बन नंबर टू पे एच है तो ये डी है। क्या है डी है। अब एक बात और यहां याद रख लेना जब भी कभी हम जो शुगर जो पेंटो शुगर डीएनए और आरएनए में यूज होता है वो हमेशा बीटा फॉर्म में पाया जाता है किसमें बीटा शुगर ऑलवेज किस फॉर्म में होता है ऑलवेज बीटा शुगर उसका भी रीजन आपको बताएंगे क्यों बीटा शुगर ये अगली क्लास कल की क्लास में आपको बताएंगे कि क्यों हमेशा बीटा शुगर यूज होता है ये हम कल की क्लास में आपको बताएंगे क्योंकि अब बीटा शुगर में क्या होगा हमने कहा जो पहला कार्बन है अगर पहले कार्बन का ओएच बिलो द प्लेन है नीचे है तो यह एल्फा फॉर्म है अगर यही पहले कार्बन का ओएच अबब द प्लेन होगा तो इसको हम बीटा फॉर्म कहेंगे तो पहला कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन होता है एनोमर कल बताया था एनोमर क्या होता है ईपी मर क्या होता है तो पहले कार्बन का ओएच अगर बिलो द प्लेन है तो वो अल्फा फॉर्म होगा और यही द प्लेन होगा तो बीटा फॉर्म तो हमें लेना क्या है भाई बीटा फॉर्म तो ओ एच ऊपर कर दो ये नीचे ठीक है अब अगली क्लास में कल की क्लास में हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कोई बायोलॉजी ऑन टिप्स बता रहे स्टेरिक हिंड्रेंस छोड़ दीजिए हम आपको बताएंगे ठीक है कल बताएंगे।, हाँ, कल बताएंगे कल बताएंगे कल बताएंगे ठीक है कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है क्या इसका रीजन है बाकी कैसे कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं फास्ट फोर डाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है ठीक है थोड़ी केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक वगैरह इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ा देंगे इसमें ठीक है चलिए ओके okay. तो अब बताइए आपको अगर आपने इतना बेसिक से पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम डन रहेंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है बाकी शाम की क्लास में मिलते हैं आप लोगों को टेस्ट फोर का डिस्कशन एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए जिन लोगों को भी आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं किसी भी स्टेट के हों किसी भी स्टेट के हों आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए सुप्रीम बैच से जुड़ सकते हैं ये सुप्रीम बैच अपना चल रहा है लाइव चल रहा है डेली मॉर्निंग नौ बजे चलता है अभी एक दो दिन से दस बजे हुआ है वापस से नौ बजे हो जाएगा और कोर्स आप एप्लीकेशन जो आपको ये थंबनेल में जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर बात कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए ज्वाइन सुप्रीम बैच वो लोग आपको लिंक दे देंगे और दूसरी चीज़ जो लोग भी बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है है ना और हमने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज का प्राइस बारह सौ है और बारह सौ कम्प्लीट प्राइज़ है है ना और इसमें आपके फोर्टी टेस्ट इंक्लूड हैं ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं लाइव टेस्ट दे सकते हैं आप सी मोड में टेस्ट दे सकते हैं उसका आप प्रिंट ले सकते हैं स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उसका एक्सप्लानीशन देख सकते हैं ठीक है हर एक टेस्ट को आप बारी बारी से दे के अपनी तैयारी को वहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है और उसके बाद <coughs> ठीक है और इसका डिस्कशन शाम को सात बजे से नौ बजे होता है लाइव डिस्कशन इसका शाम को सात बजे से नौ बजे होता है और अगर किसी भी तरीके का आपको कोर्स किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि हमें ये बैच लेना है और या तो फिर जो अभी आपको थम में जो नाइन टू वाला जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करेंगे तो इस पर मैसेज कर सकते हैं इस पर कॉल कर सकते हैं ठीक है ओके okay, चलिए फिर मिलते हैं ठीक है